हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ मटर की चटपटी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लेजी डे नाश्ता है। जो कि अगर आपका काम करने का मन ना करे कुछ खाना बनाने का, तो आप इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटा है, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने छोले को रात भर भिंगो के रख दिया था और इसे अब खाने वाला सोडा डालकर 4-5 सीटी आने तक इसे पका लेते हैं। और जब ये पक जाए तो फिर से ढक्कन निकाल कर इसमें हल्दी नमक डालकर फिर से, ये देखिए पक गया है, कितना सुंदर कलर आया। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं हम लोग। इसे एक बर्तन में निकाल लिया है मैंने। ये देखिए, ये हमारे घर का बहुत फेवरेट नाश्ता है, मेरे हस्बैंड को, बच्चे को, सभी को बहुत पसंद है। अब इसमें भुना जीरा मिर्चा हम लोग डाल देंगे। तवे पर जीरा और थोड़ा सा खड़ा धनिया और लाल खड़ा मिर्च को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है और उसे मिक्सर में ग्राइंड करके पीस कर पाउडर तैयार करके डब्बे में बंद करके रख लिया था, वो मिला देंगे। और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, पीसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च जिसे चिली फ्लेक भी कहते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से उबले हुए आलू छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काट कर, थोड़े से नींबू के रस, इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी धनिया की चटनी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये खाने में बहुत ही चटपटा होता है और ये झटपट तैयार हो जाता है। जब आपका सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इसे उबाल कर ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ या पराठे के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे घर में जब भी ये बनता है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उबाल कर रख लेती हूँ। अब देखिए थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम लोग इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए, चलिए अब इसे सर्व करते हैं। मैंने कटोरी में निकाल लिया है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती और हरी मिर्ची से गार्निश कर दिए, थोड़ा सा नींबू का जूस थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसमें अब थोड़ा सा काला नमक और टमाटर के कुछ पीसेस छोटे छोटे, और थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए हमारा तैयार है रोटी के साथ खाने वाला नाश्ता, और ये झटपट तैयार हो गया है। अब बचे हुए छोलों से शाम में हम चटपटे चाट की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने उबले आलू लिए हैं मैंने। अब उसमें थोड़ा सा नमक उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा प्याज, अगर प्याज नहीं खाते हो तो ना डालें, थोड़ा सा चिली फ्लेक, थोड़ा सा धनिया की चटनी। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर देंगे हम लोग। अब उसमें थोड़ा सा अदरक, आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस कर, नहीं तो काट कर छोटे छोटे पीसेस में, नहीं तो अदरक को चॉप करके आप उसे ले सकते हैं। उसे अच्छी तरह से मिला लें, मिलाकर छोटे छोटा बॉल बनाकर टिकिया का रूप दे दें हम। ये देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है। अब मैंने टिकिया तैयार कर लिया है। तवा पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है।
अब इसमें टिकिया को डाल करके आलू की हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। चलिए इसे सर्व करते, इसके लिए मैंने प्लेट में एक टिके को ले लिया है। अब उसके ऊपर से हम लोग छोले को डाल देंगे, जो छोले को हम लोगों ने मिक्स करके रखा था उसके ऊपर से डाल देंगे। इसके ऊपर से कटे हुए गाजर, आप चाहे तो मूली ऐड कर सकते हैं, और थोड़े से कटे हुए सेब, आप अनारदाने को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और थोड़े से कटे हुए आलू, थोड़े से कटे हुए प्याज, थोड़े से हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया की पत्ती। थोड़ी सी इमली की चटनी, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे हम लोग इसमें। और भुने जीरे मिर्चे का जो हम लोगों ने पाउडर तैयार किया था उसे इसके ऊपर से ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा चिली फ्लेक। थोड़ा सा दही, और ऊपर से भुजिया डाल देंगे जिससे वो आता है। अब थोड़ा सा टमाटर के पीसेस को डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए हमारा परफेक्ट चाट तैयार हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाले को भी ऐड कर देंगे। देखिए हमारा चटपटा चाट तैयार है। देखिए इसे बनाने में कोई मेहनत भी नहीं लगा और कितना चटपटा नाश्ता तैयार हो गया। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।